मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि यार मेरा थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की थी, थोड़ा कानपुर जाने का थोड़ा सीन हो रहा है मेरा, तो कानपुर जाना है मेरे को, थोड़ा काम भी है वहाँ पर। और बाकी दी जीशू भी वहाँ से जा रहे हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा कि जिया जी का प्रमोशन हो गया था XCN के लिए, तो वो गोरखपुर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनसे भी मिल लूँगा। और अभी चलते हैं थोड़ा नीचे, देखते हैं कुछ खाते हैं। और बाकी यार मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, अभी धूप वगैरह नहीं निकल रही थी, सुबह निकल रही थी तो मैंने अपने शूज़ वगैरह धो के डाल दिए थे, लेकिन अब वो सूखेंगे नहीं तो मैं दूसरे शूज़ वगैरह ही पहनूंगा जब जाऊंगा। तो अभी चलते हैं फिलहाल नीचे, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं। तो यार मैं कोई न्यू ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने कुछ शूट नहीं किया था उसके बाद में। तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह का 5, और मेरे को जैसा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ब्लॉग में कि मेरे को जाना था कानपुर के लिए, तो अभी बस नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ। और बाकी अभी पैकिंग वगैरह भी सारी हो गई है, सामान कुछ ज़्यादा हो गया इस बार, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो अभी किसी को बोलता हूँ वो मेरे को स्टेशन तक ड्रॉप कर देगा। फिलहाल अभी कुछ खा लेते हैं नीचे चल के, फिर चलते हैं कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भाई यार स्टेशन तो मैं पहुँच गया था, नन्नू छोड़ने आया हुआ था, और भाई नन्नू की हालत देखो, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है यार, और इतनी ओस गिर रही है, पूरा उसका मुंह गीला हो गया, मेरे भी कपड़े नीचे गीले हो गए हैं। और जब सुबह मौसम देखा था, मतलब सुबह जब मैं उठा था तो यार इतना वेदर ख़राब नहीं था जितना अब हो गया है, जिस वजह से ट्रेन भी मेरी डिले हो गई काफ़ी। तो अभी देखता हूँ यार ट्रेन आती है, फिर बैठता हूँ ट्रेन में। यार शूट तो क्या ही करूँगा, सामान मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, तो मिलेंगे कानपुर में। वैसे भी मैंने कानपुर तक की जर्नी तो कई बार दिखा भी रखी है, तो मैं उसे रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहता, बार बार एक ही सेम रूट है, और इसलिए तो अभी फ़िलहाल इसको भेजूंगा घर। और मैं भी अभी निकलता हूँ आगे, क्योंकि मेरा कोच है B1 कोच है, और सीट नंबर है 11, तो वो पड़ेगा अभी पीछे ही पड़ेगा थोड़ा, तो मैं इस साइड से आ गया था, शॉर्टकट है थोड़ा स्टेशन आने का, वैसे मेन गेट तो उधर है, तो आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं थोड़ा और देखते हैं आगे का क्या करता हूँ। फाइनली यार दी के फ्लैट पे पहुंच गए थे यार, और काफ़ी ट्रेन लेट आई है, बहुत ज़्यादा लेट थी, वो तो हमेशा मेरे साथ होता ही होता है कि यार जब भी मैं इस रूट पर आता हूँ तो ये वाली ट्रेन तो हमेशा लेट ही आती है, इस बार भी वही हुआ, लेकिन आज थोड़ा फॉग वगैरह भी ज़्यादा था तो इसलिए भी लेट थी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो अभी तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ यार, और अब यहाँ से मैंने शायद आपको बताया नहीं था कि दीदी जिया जी वगैरह अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, उनका जिया जी का प्रमोशन हो गया XCN में, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं अब यहाँ से, तो यहाँ से खाली वगैरह करेंगे, वो सामान शिफ्ट वगैरह करवाना है उनका। और बाकी अभी हम दीदी जी तो भी है नहीं, वो लोग गए हुए मार्केट, तो अभी देखते हैं, अभी मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में, मैं अभी ज़रा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यार ये नेक्स्ट है, और बाकी यार अपनी पैकिंग वगैरह जिया जी की स्टार्ट हो गई है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो कल छोटा मोटा सामान था वो हमने पैक कर लिया, तो बाकी मूविंग पैकर्स वगैरह को बुला रखा है, वो पैक करेंगे, तो अभी दिखाता हूँ आपको और मिलते हैं आपसे अभी। तो सामान तो बहुत है, ये तो सारा मेरा सामान रखा हुआ है इधर, और बाकी बाहर पैकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप देखो आगे भी, तो ये सब मूविंग पैकर्स वाले अपना सारा सामान लेकर आते हैं पैक करने के लिए, कार्टन्स वगैरह, टेपिंग वगैरह, और बाकी जितना भी मतलब सामान को जितना प्रोटेक्ट कर सकें और अच्छे से पैक कर सकते हैं इसलिए। और अभी आप देख ही रहे हो जैसे कि ये पैक हो ही रहा है अभी, और बाकी अभी आपको आगे का दिखाता हूँ। ये अपना ट्रक लगा हुआ था इधर, इसी में सारा सामान लोड होगा, टोटल हमारे जो पैकेट्स बने थे लगभग
सारा सामान पार्ट्स वगैरह अलग करके 84 पैकेट्स बने थे, मतलब 84 कार्टन्स थे टोटल, और जिसमें अलग अलग करके जैसे बेड वगैरह था उसके सारे पार्ट्स अलग वगैरह करके पैक किया था, काफ़ी अच्छे से पैक किया था जैसा आप देख ही रहे हो। फिर इसके बाद में इसकी नंबरिंग वगैरह भी हुई थी और बाकी लिख दिया था कौन से सामान पे नाम वगैरह, जिसमें किचन का सामान है तो किचन पर कार्टन पे उस पर नाम। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से अपना बरेली के लिए, तो अभी मेरी यहाँ से ट्रेन है कानपुर से लखनऊ की गोमती एक्सप्रेस, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ पर 11:30 वहाँ से ट्रेन है मेरी 11:35 पर बरेली के लिए। तो अभी मेरा रिजर्वेशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल अब थोड़ा बुरा लगा क्योंकि दीजिए ये आप काफ़ी टाइम से रहते हैं, वो लोग चले गए यहाँ से, तो थोड़ा सा बुरा लगा है अभी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, वो लोग भी अभी निकले हुए हैं गोरखपुर के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे, ऑटो वगैरह बुक करता हूँ मैं और चलते हैं सीधे रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल, और फिर आगे जितना हो पाएगा उतना शूट करूँगा और लोग कंटिन्यू करूँगा। तो यार फाइनली कानपुर के रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ और अभी चलते हैं यार, अपना जो ट्रेन है वो आएगी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो वहीं चलते हैं अभी। उसके बाद मेरे को चेंज करनी पड़ेगी लखनऊ से, तो वो अभी देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मेरा अभी रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक यार, अभी वेट कर रहा हूँ चार्ट पेपर होने का, अभी मेरी वेटिंग दिखा रहा है, 4 वेटिंग दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से कन्फर्म हो जानी चाहिए। अभी देखते हैं आगे यार, जैसे कंफर्म होती है तो यार बहुत अच्छी बात है, मतलब खोने को मिल जाएगा थोड़ा यार, तो अभी देखते हैं आगे जाके। फिलहाल तो अभी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, सामान बहुत कम है तो सही है यार, बाकी सामान मैंने कानपुर में ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे वापस आना है, तो अभी मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। भाई लोग अभी हम पहुँच गए हैं 4 बाग रेलवे स्टेशन और अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, अभी देखते हैं कब तक आती है, मतलब आती क्या है, यहीं से बन के चलती है और लगेगी लगभग 11:25 पर लग जाएगी, हाँ 11:25 पर लगेगी, और बाकी आप देख ही सकते हो यार आज पूरा दिन हो गया, मतलब ऐसा था ना जीआईजी का सामान वगैरह भी शिफ्ट हो रहा था तो उसमें भी लगे हुए थे, और फिलहाल अभी मतलब ऐसा लग रहा है बस नींद आ रही है यार, अब जल्दी से फटाफट से रिजर्वेशन मेरा कन्फर्म हो ही गया है लगभग, मेरा सेकेंड एसी में रिजर्वेशन है और सीट नंबर है 24 साइड पर है, मैं सोच रहा हूँ उसे चेंज करवा लूँ तो उसके बाद में अपने को मिल जाएगी साइड लोअर, बस यही कोशिश है कि हाँ चेंज हो जाए, फिलहाल चेंज हो जाती तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं यार वरना तो ऊपर सोएंगे। तो मिलते हैं अभी आपसे जब ट्रेन में बैठते हैं तब, अभी तो वेट ही कर रहे हैं फिलहाल, अभी तक ट्रेन लगी नहीं है, जैसी लग जाती है फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अपनी ट्रेन लग गई थी यहाँ पर और अपना कोच है H1 मतलब सेकेंड एसी कोच है, और बाकी अपना सीट नंबर है 24 वो तो अपर बर्थ है यार, तो मतलब साइड अपर है, ठीक ठाक है लेकिन सही है यार। बाकी यार अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे बरेली में, देखते हैं आगे का सीन क्या होता है, और बाकी थकान बहुत हो गई है यार तो इसलिए यार मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा और सर में दर्द भी हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे बरेली पहुंच के, क्योंकि यहाँ से स्टॉपेज बरेली है, फिर मैं भी अब सोऊंगा यार क्योंकि पूरा दिन हो गया निकल गया ऐसे, तो मिलते हैं आपसे बरेली में। तो यार मैं 11:35 पे चला था वहाँ से लखनऊ जंक्शन से, तो अभी पहुंच गया हूँ यार बरेली सिटी और सो गया था बीच में, अलार्म लगा के सोया था और ट्रेन एकदम राइट टाइम पहुंची है यार, तो यार एकदम थोड़ी सी नींद सी ख़राब हो गई, मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगाया था और ट्रेन अपनी पहुंच गई थी लगभग 4 बजे तक, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यार कि जो ये वाली ट्रेन है मतलब मेरे जो घर के पास जो रेलवे स्टेशन है एक बरेली जंक्शन और बरेली सिटी, तो ये पहुंची बरेली सिटी पर, तो वहाँ से मेरा घर बहुत ही पास पड़ता है, मतलब 1/2 किलोमीटर है समथिंग, तो मुझे बस ये है कि यहाँ सुबह यहाँ से कुछ व्हीकल वगैरह नहीं मिलता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि टाइम पर पहुँच जाता हूँ, और अभी मैंने क्या ही परेशान करता अपने दोस्तों को, तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, मैंने कहा यार 1/2 किलोमीटर है वॉक करके ही पहुँच जाएंगे, ऐसे मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, नींद तो ख़राब हो ही गई है लेकिन कोई नहीं यार, तो अभी चलते हैं घर पर। और वैसे ठंड तो हो रही है अच्छी खासी यार, मतलब एसी में तो पता नहीं चल रहा था ठंड वगैरह, लेकिन अभी ठंड अच्छी खासी हो रही है,
तो कोई नहीं, आई मिलते हैं आपसे, थोड़ा आगे चलते हैं घर की तरफ, घर पहुंच के मिलते हैं। होपफुली यार ये ब्लॉग एंड ही करूँगा यहाँ पर, और बाकी आप सुन सकते हो कि भगवान जी के गाने वगैरह बज रहे हैं क्योंकि मंदिर के क्लोज हूँ एकदम। अभी दिखाता हूँ आपको। ये अपना हनुमान जी का मंदिर है,